हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जैसे कि अगर आपके घर में पुराने बर्तन हैं तो किस तरीके से पहचाने, और जब उसको रीसेल कर रहे हैं तो किस तरीके से पहचान के उनको दिया जाए। तो यहाँ पे आपके सामने जैसे दो तरीके की थालियाँ रखी हुई हैं, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके घर में प्योर फूल है, पुराने ज़माने का है, आपकी दादी दादा या और भी लोग यूज़ करते थे, तो इस टाइप के बर्तन होंगे जो पुराने घरों में रखे होंगे। तो ये है, अगर आप उसको निकालना चाहते हैं तो मैं आपको पहचान बता देता हूँ आज के इस वीडियो में, जिससे आपके लिए आसानी रहेगी कि जो भी प्रोडक्ट आप दें अपना तो उसको सही तरीके से सही दाम पे दें। तो यहाँ पे देखिए, आपके सामने ये रखी हुई है इस टाइप की थालियाँ। देखिए, दिखने में दोनों ही सिमिलर लगती है, कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे मैं आज आपको बता दूंगा किस तरीके से पहचान सकते हैं, और अगर किसी अच्छी जगह दे रहे हैं, सही दुकानों पे दे रहे हैं, तो वो किस तरीके से पहचान आप लोग के सामने तुरंत बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि इस तरीके की थाली दी हुई है, यहाँ पे सिमिलर लगती हैं, बट यहाँ पे मैं अभी आपको डिफरेंस दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ये लोग भी पहचानते हैं। तो भैया, ज़रा एक बार आप ये दोनों ही थालियाँ एक बार बता दीजिए कि किस तरीके से आप इसको जज करते हैं तुरंत किस तरीके। देखिए, यहाँ पे ये थाली दी हुई है जो ज़रा सी ऐसी है, अब इसे देखिए, ये देखिए, अगर इसमें ज़रा सी हथौड़ी मारी है तो ये, अगर ये प्योर कांसा है तो इस तरीके से फट जाता है, टूट जाता है, और अगर ये आपका कस्कुट है या पीतल है तो कैसे, ये देखिए, बहुत तेज भी मारा है तो भी ये देखिए फटा नहीं है। तो ये समझ के चलिए कि एक छोटी सी पहचान होती है, अगर आप पुराना बर्तन दे रहे हैं तो इस तरीके से इन चीज़ों का पहचान सकते हैं। और एक चीज़ और है, जैसे उसके टूटने का तरीका भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, आपके घरों में अगर एक बार आपसे भी गिर जाता है तो इस तरीके से, ये देखिए, ब्रेकेज हो जाता है, तो ये एक तरीके से पहचान हो जाती है कि प्योर कांसा है। और साइड से अगर पतली चादर का है तो साइड से, जैसे पूजा के बर्तन कभी कभी इस तरीके से देखिए टूटने लगते हैं, और कभी कभी ज़्यादा जोर लगाइए तो देखिए आपके हाथ से भी अगर चाहें तो टूट जाते हैं ये इस तरीके से। ये देखिए, अगर मोड़िए तो इस तरीके से ये टूट जाते हैं, और अगर यही वाले बर्तन है, ये वाले बर्तन है, तो इसको पूरी तरीके से भी अगर हम मोड़ देंगे तो ये लचीले होते हैं बट टूटते नहीं। तो आज की पहचान आपको हमेशा याद रहेगी, और ये मैं बता दूं कि ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर पुराने बर्तन अगर आपको सेल आउट करना है कहीं पर भी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।